गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सीमांत संगरूर क्लिनिक से। ये हमारे एक पेशेंट है प्रिया, एज 21 ईयर। ये हमारे पास आए थे पेन इन अबडोमेन के साथ, डायरिया और वॉमिटिंग के साथ। पिछले 2-3 महीने से इन्हें बड़े ज्यादा डायरिया और वॉमिटिंग हो रहा था। इन्होंने हमारी संस्था से 3 महीने मेडिसिन खाई है। इनको जो मेन दिक्कत थी वो इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था 14.7 ml का, और इन्होंने हमारी संस्था से 3 महीने मेडिसिन खाई और इनका स्टोन जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है। हाँ जी प्रिया जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जब आप हमारे पास आए थे तो क्या दिक्कत थी, मतलब क्या दिक्कत हो रही थी आपको? अभी तो पानी भी नहीं बच रहा था। हाँ जी, 3 महीने मेरी मतलब पूरी तरह से खाना वगैरह बंद हो गया था। तो मुझे कह रहे थे कि आपका इमीडिएटली है ना ऑपरेट कराना पड़ेगा। ये एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने बोला था कि गॉलब्लैडर को निकालना पड़ेगा, कि निकाल के ही इस बीमारी का हल है, पित्त पूरी तरह से निकालना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। और इन्होंने हमारी संस्था से 3 महीने मेडिसिन खाई है और इनका स्टोन पूरी तरह से ठीक हो गया, रिमूव हो गया पूरा। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं, या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं।